अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पेशावरी खीर। रेसिपी कार्ड वीडियो के एंड पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम दूध बॉईल होने के लिए रख देंगे पैन में। तक दूध बॉईल होता है हम खोया बना लेंगे। इसके लिए मैंने पैन में बटर और दूध डाला है। बटर मेल्ट हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। देखिए बटर भी मेल्ट हो गया है, दूध थोड़ा सा बॉईल हो रहा है। इसमें हम ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे, फुल फैट होना चाहिए, और इसको बिल्कुल लो हीट पे हम इसको पकाएंगे। इंग्रेडिएंट की पूरी डिटेल रेसिपी कार्ड में अवेलेबल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आग मेरी बिल्कुल स्लो है, अदरवाइज ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल लो हीट पे पकाएंगे। आप चाहें तो रेडीमेड खोया भी यूज़ कर सकते, लेकिन ये थोड़ा इजी है, घर पे बंदा जल्दी जल्दी बना लेता है। अब हम ब्लेंडर में पहले से सोक किए हुए हैं राइस मेरे पास, वो डालेंगे, और साथ ही जो रस होते हैं नॉर्मली जिसे पापे भी कहते हैं, वो 4 स्लाइसेस डालूंगी। ये पेशावरी खीर की एक स्पेशलिटी है, और वो थोड़ी थिक भी होती है, इसी वजह से होती है। इसमें हम अराउंड 1 कप के करीब दूध डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत स्मूथ नहीं करनी है इसको। देखें खोया बिल्कुल रेडी है, अच्छे से थिक हो गया है, और ये जैसे जैसे ठंडा होगा मज़ीद थिक हो जाएगा। इसको हम एक अलग से बाउल में डाल लेंगे। जो मिक्सचर मैंने ब्लेंड किया आप देख सकते हैं, दानेदार सा है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया है इसका। दूध बॉयल हो गया, इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। और जो राइस का मिक्सचर बना के रखा है वो डाल देंगे। स्टेज पे हम इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गिट्टियाँ ना बने जो राइस की होती हैं। थोड़े से आलमंड और पिस्टेशियो चॉप करके मैंने रखे हुए थे वो डाल देंगे, और थोड़े से रख देंगे ऊपर टॉपिंग के लिए। मीडियम हीट रखी हुई है मैंने। अब इसमें शुगर डालेंगे, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 1 कप डाली है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखें खीर जिस तरह जब इस तरह बबल्स बनने लगे, काफ़ी थिक हो गई है, चीनी का पानी भी इसमें खुश्क हो गया, तब हम इसमें खोया डाल देंगे। हमारी खीर रेडी हो गई है। मैं इसको क्ले पॉट में सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी और बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी लगती है, और ठंडी भी बहुत थोड़ा टाइम के बाद होती है, लेकिन काफ़ी देर तक ठंडी रहती है इसमें खीर। अब जो रिमेनिंग पिस्ता और बादाम चॉप किए हुए थे वो डाल देंगे। चांदी का वर्क भी लगा दिया मैंने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। लाइक का बटन दबाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।